नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर के जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मित्रों, अपने मन में कई प्रकार के सवाल चलते रहते हैं, कई दुविधाएं हैं, कई फैसले हैं जो हम लेना चाहते हैं, लेकिन असंशय की भावना हमारे पास रहती है, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, और ये कार्य हमारा सिद्ध होगा, पूरा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए आपको मैं एक विधि बताने जा रहा हूँ, उससे आप अपने किसी भी सवाल का उत्तर जान पाएंगे। जैसे कि मैं ये व्यापार करूँ या नहीं करूँ, मेरा वो मित्र मेरा साथ देगा या नहीं देगा, मैं अमुक कार्य में सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। जो भी आपके सवाल मन में हैं, आप सभी सवालों का मेरी दी हुई इस विधि से मालूम कर सकते हैं, और ये बहुत सटीक विधि है मित्रों। श्रद्धा और भक्ति विश्वास पूर्वक आप इसको आजमाइए, ये आपको 100% कारगर सिद्ध होगी। आइए मेरे साथ देखते हैं इस विधि को। मित्रों, यह है वो अद्भुत ग्रंथ श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसमें छुपा हुआ है आपके हर सवालों का, हर रहस्यों का उत्तर। इसके अंदर है वो अद्भुत विधि जिससे आप अपने सभी सवालों का जवाब जान पाएंगे। देखिए मेरे साथ में, मैं आपको वो विधि बताता हूँ किस प्रकार, कौन सी विधि है और कैसे आपको वो प्रयोग करनी है। पुस्तक के अंत में ये देखिए, ये है श्री राम सलाह का प्रश्नावली। इससे आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। किस प्रकार ये प्रयोग में करते हैं, किस प्रकार इसको प्रयोग में लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी सवाल आपके मन में है, मान लीजिए आप कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं, तो श्री गणेश जी महाराज का, अपने इष्ट देव का और श्री सीताराम जी महाराज का ध्यान करते हुए आपको ये जो अक्षर दिए हुए हैं इस प्रश्नावली में, इसमें से किसी एक अक्षर पे अपनी उंगली या किसी पेन पेंसिल की सहायता से एक अक्षर को चुनना है। तो जैसे पूछिए, एक प्रश्न पूछते हैं हम कि मैं एक व्यापार करने जा रहा हूँ, हे प्रभु वो सफल होगा या नहीं होगा, मैं वो व्यापार करूँ या नहीं करूँ। आइए अब जानते हैं रामसला का प्रश्नावली क्या कहती है, क्या हमें बताती है। आँख बंद करके पेन को हम घुमाते हैं प्रभु का नाम लेते हुए, और एक अक्षर पे हमको रख देना है। मैंने यहाँ रखा है, कौन सा अक्षर आया है, हो। अब मित्रों, इसको जानने की विधि मैं आपको बताता हूँ। जिस अक्षर पे हमने पेन की निडल रखी है, उससे आगे के 9वें अक्षर को फिर हमें काउंट करना है। तो आइए मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बना, हो। इसको आप या तो याद रख लीजिए या फिर किसी कॉपी पे लिख लीजिए। अगला अक्षर है हूँ, हो हूँ। अब इसके आगे फिर 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, महा, तू महा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारे। तो मित्रों, ये इसके पीछे चौपाइयाँ दी हुई हैं, तो आपको एक चौपाई मिल जाएगी, उस चौपाई का फल भी इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं हमारी कौन सी चौपाई मिली है। तुम्हारे, हो हूँ तुम्हारे, ये इसके अंदर काफ़ी चौपाइयाँ दी हुई हैं, तो हमें ये देखना है हमारी चौपाई कहाँ है। ये देखिए, हो हूँ तुम्हारे, यानी ये चौपाई है सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनि भये सुखारे। इसका उत्तर, इसका फलादेश सुनिए। प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। और ये कब की है, जब बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद दिया हुआ है। तो यकीन मानिए, आप श्रद्धा विश्वास से इसको प्रयोग में लेंगे तो आपको सटीक उत्तर मिलेगा और आप अपने कार्य आसान से कर पाएंगे। तो हमने जो व्यापार का प्रश्न पूछा है, जो भी ये प्रश्न था, हम वो व्यापार कर सकते हैं, उसमें हमको सफलता मिलेगी, प्रभु की ये आज्ञा है। इस प्रकार आप भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर इस उत्तम
राम सलाका प्रश्नावली से जान सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की और भी आध्यात्मिक जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।